खरगोन पदोन्नति में आरक्षण पदोन्नति के नए नियम को लागू किए जाने, बैकलॉग पदों पर भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर अजाक्स ने रविवार को एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि शासन के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,45,000 बैकलॉग पद रिक्त हैं। इस पर भर्ती की जाए जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सरकार प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती कर रही है, उस पर रोक लगाई जाए। अगर भर्ती करना ही है तो उसमें भी आरक्षण के नियम का पालन किया जाए। छात्र छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, पूरा साल बीत जाता है उसके बाद छात्रवृत्ति मिलती है। वहीं कॉलेज संस्थान छात्र छात्राओं को फीस के लिए परेशान करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक, जिले, संभाग और प्रदेश स्तर पर छात्रावास खोला जाए, इन सभी मांगों का शीघ्र ही निराकरण करने की मांग की है। हम ये आदिवासियों और SC ST के अधिकारों का जो आपके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसमें क्रिमिलियर और कोटे में कोटा के अंदर जो कोर्ट ने फैसला दिया उसके विरोध में हम जा रहे हैं कि क्रिमिलियर के अगर अधीन अगर इसको खत्म कर दिया जाएगा तो हमारे आने वाले पद जो रिक्त बैकलॉग के हैं वो ऐसे ही चले जाएंगे और आने वाले कुछ समय में उसको सामान्य वर्ग के कोटे से भर दिए जाएंगे। कोटे में कोटे के अंदर से कुछ जातियों को हमको बाहर कर दिया जाएगा, जैसे भील, बेलाला, बारेला और गोंड और SC में भी बलाई और जो कुछ चीजें हैं उनको, कुछ समाज है उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि आने वाले समय में हमारे लिए यह एक घातक परिणाम सिद्ध हो सकता है। गवर्नमेंट धीरे धीरे इन चीजों को इसने खत्म कर रही है, जिन हमारे अधिकारों को हमें पता नहीं चलने दिया। जैसा जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण को 30 अप्रैल 2016 को जो लागू किया था उसका परिणाम आज हम भुगत रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आज जो कोटे में कोटा और क्रिमिनल वाला बहुत आगे चल करके हमको ऐसा भुगतना पड़े। दूसरा, जो पुरानी पेंशन योजना है हमारी, जो कर्मचारी का एक जीवन निर्वाह का होता है, उसको अगर खत्म कर दिया जाए और सरकार नित नए नए फार्मूले अपनाती है, जैसे NPS के बाद अब UPS लागू न करे, हमें तो सिर्फ OPS ही चाहिए, तो सरकार से हमारी मांगे हैं कि UPS को यथावत रखा जाए। इसके बाद भी अगर समस्या निराकरण नहीं होता तो आगामी तो हम लामबंद आगे हड़ताल करेंगे और जन आक्रोश करेंगे, पूरा सत्याग्रह करेंगे। आज मुख्य रूप से आजाद संगठन जिला खरगोन एवं इकाई तहसील अध्यक्ष हमारे लोकेंद्र सिंह रावत के मार्गदर्शन पर उनके आज जो है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल लेयर पर जो अजाक्ष और SC ST के विरुद्ध में जो निर्णय लिया है उसके विरोध में आज हमने तहसीलदार साहब को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं बैकलॉग पदों की भर्ती और क्रिमिनल वाले तो बोले उच्च पदों पर प्रभार परिष्ठता के आधार पर दिए जाने के संबंध में और पदोन्नति में आरक्षण के ऊपर हमने आज माननीय कलेक्टर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है। डिजियाना न्यूज डिमार्ट रिपोर्ट खरगोन। मार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।